स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रूबी और आज हम SHT का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोब एवं मानचित्र। तो बच्चों, आज हम ग्लोब एवं मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परिचय। परिचय में पढ़ते हैं क्या दिया है। पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान गोल है। बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है वो किसके समान गोल है? नारंगी के समान, ठीक है। नारंगी तो आप सबने देखा होगा, जो फ्रूट होता है ना नारंगी, उसके समान हमारी पृथ्वी गोल है। यह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में कुछ उभरी हुई है। तो बच्चों, जो उत्तरी ध्रुव होता है, जो सबसे ऊपर का जो छोर होता है उसको उत्तर बोलते हैं और जो सबसे नीचे होता है उसको दक्षिण बोलते हैं। तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर यह चपटी है और मध्य में कुछ उभरी है। मध्य वाला जो भाग है वहाँ पर कुछ उभरी हुई है, कुछ चट्टाने वगैरह हैं उनसे वो उभरी हुई दिखती है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल तथा 1/4 भाग स्थल है। जो हमारी पृथ्वी है उसमें से चार हिस्से में से तीन हिस्से पर तो जल है और एक हिस्से पर स्थल है जहाँ हम रहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके भौगोलिक स्वरूप तथा स्थितियों का अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब तथा मानचित्र का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्लोब एवं मानचित्र का। ग्लोब और मानचित्र के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले दिया हुआ है ग्लोब। ग्लोब के बारे में जानते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है। बच्चों, जो हमारा ग्लोब होता है, आप सभी ने देखा होगा, स्कूल में तो ज़रूर देखा होगा, वो हमारी पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल ग्लोब जैसी दिखती है, ठीक है। उसी का छोटा रूप है हमारा ग्लोब। पृथ्वी का छोटा रूप क्या है? ग्लोब। इसके द्वारा पृथ्वी के भौतिक स्वरूप तथा विभिन्न भागों का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जाता है, ठीक है बच्चों। पृथ्वी पर जो भी पानी स्थल वगैरह हैं उनका हम अध्ययन किसके द्वारा कर सकते हैं? ग्लोब के द्वारा कर सकते हैं। ग्लोब पर विभिन्न महासागरों तथा महाद्वीपों के वास्तविक स्वरूप को दूरियों तथा दिशाओं के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, महासागर क्या होते हैं? सागर क्या होता है? एक जो क्षेत्र होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है उसको हम सागर बोलते हैं। इसी प्रकार से बहुत बड़ा जो सागर होता है उसको हम महासागर कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर हैं, ठीक है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। और महाद्वीप क्या होते हैं? पहले हम द्वीप जानते हैं। द्वीप क्या होता है? कोई देश है जो चारों तरफ से जल से ढका हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। या फिर कोई टापू जो होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको हम द्वीप बोलेंगे। इस प्रकार कई सारे देशों से मिलकर महाद्वीप बनते हैं। हमारी पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बच्चों, आपने ग्लोब में देखा होगा पृथ्वी को घुमाकर वो चारों तरफ घूम जाती है, इसी प्रकार वह अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। अतः ग्लोब को भी एक स्टैंड से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि यह पृथ्वी की भांति अपनी धुरी पर गति करने में सक्षम हो। तो बच्चों, जो ग्लोब पर जो पृथ्वी लगी होती है उस पर एक स्टैंड दिया है, स्टैंड भी लगा रहता है, उस पर वो घूम सकती है जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, ब्लू कलर में हेडिंग दी हुई है, ग्लोब का उपयोग। अब ग्लोब के क्या क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पर दिया हुआ है, ग्लोब पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन करने में सहायक है। तो बच्चों, हम ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ पर जल है, कहाँ पर स्थल है, ये सब हम किससे पता कर सकते हैं? ग्लोब के द्वारा, ठीक है। आगे दिया हुआ है, ग्लोब के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। बच्चों, ग्लोब के द्वारा हम जान सकते हैं कि दिन और रात कैसे होती हैं। जब हम सूर्य की किरणें जिस देश पर पड़ती हैं वहाँ पर दिन हो जाता है और जो साइड वाला हिस्सा होता है वहाँ पर रात हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोब से पृथ्वी की घूर्णन गति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। घूर्णन गति क्या होती है? तो घूर्णन गति, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसी को उसकी घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है, ग्लोब की सीमाएं। कुछ सीमा या दोष होते हैं, दोषों को इंग्लिश में बोलते हैं डिसएडवांटेज, ठीक है।
तो क्या क्या सीमाएं दी हुई हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है, ग्लोब पर पृथ्वी के किसी निश्चित भाग का व्यापक अध्ययन नहीं किया जा सकता। बच्चों व्यापक यानी विस्तार से अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोब बहुत छोटा होता है और पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, तो इतनी छोटे ग्लोब में हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना संभव नहीं है। ठीक है, ये इसकी कुछ बुराइयाँ हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधा होती है। तो बच्चों जैसे कि हम स्कूल से घर लाने में ग्लोब को बहुत दिक्कत आएगी, या स्कूल से घर जाने में, घर से स्कूल आने में ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ला सकते हैं, या फिर असुविधा होती है। ला सकते हैं लेकिन उसमें क्या होती है, हमको असुविधा होती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है मानचित्र। अब हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। साइड में एक चित्र दिया हुआ है, इसी को हम मानचित्र या फिर चित्र बोलते हैं। भारत का मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी के भौतिक तथा भौगोलिक स्वरूप का विस्तृत अध्ययन करने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। इसे किसी समतल स्थान, कागज या कपड़े पर बनाया जा सकता है। समतल यानी जो एक जैसा स्थान होता है वहाँ, या फिर कागज पर, या फिर हम कपड़े पर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर हमारा जो मानचित्र होता है वो किस पर बना होता है? कागज पर। ठीक है, आगे दिया हुआ है, कुछ मानचित्र बड़े होते हैं जो संपूर्ण पृथ्वी को दर्शाने के लिए पर्याप्त होते हैं, कुछ मानचित्र छोटे होते हैं जो लघु क्षेत्र को दर्शाते हैं। कुछ मानचित्र बहुत बड़े होते हैं जो हमारी पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी का नक्शा या चित्र उसमें दिख जाता है, या कुछ छोटे होते हैं जैसे कि हमारी बुक में दिया हुआ है वो छोटा है जिसमें सिर्फ भारत का नक्शा है। ठीक है बच्चों, लघु मीन्स होता है छोटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ते हैं। मानचित्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक भौतिक मानचित्र, नंबर दो राजनीतिक मानचित्र, और नंबर तीन विषयक मानचित्र। ठीक है बच्चों, ये मानचित्र के प्रकार हुए। मानचित्र पर विभिन्न स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें सांकेतिक चिन्ह कहते हैं, जिनमें से कुछ चिन्ह निम्न हैं। बच्चों कुछ जो हमारे मानचित्र होता है उस पर कुछ चिन्ह दिए होते हैं, आप लोग देखना आपके घर पर अगर कोई सा मानचित्र हो तो वो किस किस चीज़ के कैसे चिन्ह होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कच्ची सड़क, कच्ची सड़क को कैसे दर्शाती हैं, दो लाइन बनी हुई हैं डेड डैश करके, तो ये हमारी क्या हो गई, कच्ची सड़क। आगे दी हुई है पक्की सड़क, पक्की सड़क में लाइनें डायरेक्ट खींची हुई हैं, डैश नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये किसको दर्शाती है, पक्की सड़क को। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के आगे ये लाइन दी हुई है जिसमें से कुछ क्रॉस क्रॉस सा कटा हुआ है। ठीक है, ये लाइन किसको दर्शाती है, हमारे रेलवे स्टेशन को। आगे दी हुई है राजधानी, राजधानी को हम कैसे दर्शाते हैं, एक गोल बना हुआ है फिर उसके अंदर एक बिंदी रखी हुई है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, राजधानी या कैपिटल को ये दर्शाती है। आगे दिया हुआ है गांव, गांव में बच्चों ये झोंपड़ी टाइप को बना दिया हुआ है, इससे हम किसको दर्शाते हैं, गांव को। ठीक है, शहर को किससे दर्शाते हैं, एक बिंदी या पॉइंट से हम शहर को दर्शाते हैं। ठीक है, तालाब, ये तालाब टाइप का बना हुआ है, इससे हम किसको दर्शाते हैं, तालाब को। और आगे दी हुई है नदी, नदी में नदी बना दी है, इस प्रकार से हम नदी को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे साइड में एक बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं मानचित्र की संग्रह पुस्तिका को एटलस अथवा मानचित्रवली कहते हैं। जो हमारी पुस्तक होती है जिसमें सिर्फ मानचित्र ही मानचित्र बने होते हैं उसको हम एटलस अथवा मानचित्रावली कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मानचित्र पर दिशाएं, अब हमारी कौन सी दिशा, कौन सी साइड होती है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, मानचित्र पर दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। लिखा हुआ है इसमें, मानचित्र के अध्ययन के लिए दिशाओं का सही ज्ञान होना आवश्यक है। इसके ऊपर की ओर उत्तर दिशा तथा नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। बच्चों साइड में मैप दिया हुआ है जिसमें सबसे ऊपर गुलाबी कलर में हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको हम उत्तर बोलेंगे, और जो सबसे नीचे जिसमें एक साइड में श्रीलंका दिख रही है या फिर हमारे देश का ही मैप देश बना हुआ है तमिलनाडु, सबसे नीचे कौन सा देश है, तमिलनाडु, जो कि सबसे दक्षिणी सॉरी बच्चों प्रदेश है, देश नहीं प्रदेश। तो सबसे ऊपर की साइड क्या होती है, उत्तर, और सबसे नीचे क्या होती है, दक्षिण। ठीक है,
इसके दाई तरफ पूर्व दिशा तथा बाई तरफ पश्चिम दिशा होती है। बच्चों हमारे हाथ से हम अनुमान लगा सकते हैं, जो हमारा सीधा हाथ होता है उस साइड होती है पूर्व दिशा, और जो उल्टा हाथ होता है बायां हाथ होता है उस तरफ होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, आगे दिया हुआ है दिश सूचक। अब ये दिश सूचक क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। दिश सूचक एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र में स्थित सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। बच्चों ये जो दिश सूचक होता है उसमें एक सुई लगी होती है, और वो कौन सी दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, पुराने समय में नाविक तथा समुद्री यात्री अपनी यात्रा के दौरान मार्ग की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो बच्चों जो नाविक होते हैं, नाव चलाते हैं, या फिर जो समुद्री यात्री होती हैं, जहाज़ों से समुद्र में यात्रा करते हैं, वो अपनी यात्रा के दौरान अब समुद्र में दिशा का पता कैसे चले, तो वो इस दिश सूचक का प्रयोग करते थे। उससे उन्हें पता चलता था कि वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या सीखा? ठीक है, दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। सबसे पहले दिया हुआ है ग्लोब। ठीक है बच्चों, ये हमारी पृथ्वी का ही एक स्वरूप है या प्रतिरूप है, इसको इसके नीचे हम लिख देंगे ग्लोब। दूसरे नंबर पर मानचित्र दिख रहा है, उसके नीचे हम क्या लिख देंगे? मानचित्र। और जो तीसरे नंबर पर है वो क्या है? हमारा दिक सूचक। ठीक है, जिसका प्रयोग समुद्री यात्री या नाविक दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं उपयोग। आगे दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बच्चों महासागर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महासागर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के बड़े भाग को महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। बच्चों जो हमारे नक्शे में या फिर ग्लोब में जो नीले कलर से दिखाई देता है, हमारे मैप में भी दिख रहा है, जो नीला नीला भाग है वो क्या है? महासागर है। ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है। तो इस प्रकार हमारे पृथ्वी पर टोटल कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है हिंद महासागर, तीसरे नंबर पर दिया हुआ है अटलांटिक महासागर, चौथे नंबर पर दिया हुआ है आर्कटिक महासागर, और पांचवें नंबर पर दक्षिण महासागर। बच्चों हमारे मैप में भी दिख रहा है, सबसे साइड में इधर प्रशांत महासागर लिखा हुआ है। ये क्या है? हमारा प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इधर सबसे लास्ट में दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, ये दोनों जब जॉइंट होते हैं ना तो एक ही बन जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर, और ये बीच में एस आकृति का जो दिखाई दे रहा है वो हमारा अटलांटिक महासागर है। ठीक है बच्चों, और ये एशिया के नीचे लिखा हुआ है हिंद महासागर, ये हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, उसके नीचे दिया हुआ है दक्षिण महासागर, उसके सबसे ऊपर दिया हुआ है आर्कटिक महासागर। ये मैप में आप देख लीजिए, ये हमारे 5 महासागर हैं। ठीक है, इधर साइड में एक बॉक्स में लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर तथा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। तो बच्चों मैंने अभी बताया है, जो प्रशांत महासागर है वो सभी महासागरों में सबसे बड़ा है, और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ना आर्कटिक लिखा हुआ है, वो हमारा सबसे छोटा महासागर है। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं पहले केवल 4 महासागरों को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन वर्ष 2000 में IHO ने अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर की विशाल जलराशि को दक्षिण महासागर के नाम से 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि पहले हमारे 4 महासागर थे, लेकिन वर्ष 2020 में IHO ने आर्कटिक महासागर कि चारों ओर जो विशाल जल भरा हुआ है उसको क्या नाम दे दिया? दक्षिण महासागर। इस प्रकार से हमारे महासागरों की संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है, समझ आया? आगे दिया हुआ है महाद्वीप। अब हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं। पृथ्वी पर भूमि के बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। बच्चों जो हमारी भूमि है, आपको ये मैप में दिख रही होगी येलो कलर में, ग्रीन कलर में, ये सब क्या है? स्थल भाग है हमारी पृथ्वी का, और जो नीले कलर में दिख रहा है वो जल भाग है जिसमें पानी भरा हुआ है, और स्थल जिस पर हम पेड़ पौधे मनुष्य जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं?
भूमि बोलते हैं। तो इसके जो एक बड़ा भाग होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, महाद्वीप। ठीक है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर यूरोप, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, पाँचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर अंटार्कटिक। इस प्रकार से हमारे कितने महासागर हो गए, 7। बच्चों मैप में दिया हुआ है जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है इधर प्रशांत महासागर के पास में, ये क्या है हमारा एशिया महाद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उसके नीचे दिया हुआ है रेड कलर में ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इधर पास में येलो कलर में दिया हुआ है वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इधर पर्पल कलर में दिया हुआ है ये हमारा यूरोप है। ठीक है, इधर सबसे ऊपर ग्रीन कलर में दिया हुआ है, डार्क ग्रीन कलर में, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, और उसी के नीचे ऑरेंज कलर में दिया हुआ है वो हमारा दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है बच्चों, और जो सबसे नीचे दिया हुआ है पर्पल कलर में वो हमारा अंटार्कटिक है, और सबसे ऊपर दिया हुआ है वो हमारा आर्कटिक है। ठीक है बच्चों, समझ आया, आगे पढ़ते हैं। संसार के महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया तथा सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हमारा देश भारत एशिया के दक्षिण मध्य में स्थित है। तो बच्चों जितने भी महाद्वीप हैं 7, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, जो कि रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और वो सबसे छोटा महाद्वीप है। और हमारा जो देश भारत है वो कहाँ पर स्थित है, एशिया के दक्षिण मध्य में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, कुछ बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं को पढ़ते हैं। पहला बिंदु दिया है ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है। बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा ग्लोब होता है वो किसका प्रतिरूप है, पृथ्वी का। ठीक है, आगे दिया हुआ है मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी भाग का सूक्ष्म चित्र होता है। जो हमारा मानचित्र होता है वो किसी भी पृथ्वी के किसी भाग का सूक्ष्म चित्र, सूक्ष्म चित्र मीन्स होता है छोटा सा चित्र होता है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है मानचित्र की संग्रह पुस्तिका को एटलस या मानचित्रावली कहते हैं। जो मानचित्र की संग्रह पुस्तिका होती है, जिसमें मानचित्र ही मानचित्र बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस या मानचित्रावली कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, दिक्सूचक यंत्र में स्थित सुई सदैव उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। जो हमने अभी दिक्सूचक देखा था उसमें जो सुई लगी होती है वो किस दिशा की ओर संकेत करती है, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण महासागर। ठीक है बच्चों, ये महासागरों को हम देख चुके हैं, मैप में भी देख चुके हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में। आगे ये हमारा यहीं पर चैप्टर कंप्लीट होता है, कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर दिया हुआ है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों इसमें हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा सही होगा उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है भारत का अधिकांश भाग किससे घिरा है, पहले नंबर जल से, दूसरे नंबर स्थल से और तीसरे नंबर पर दोनों से। तो भारत का अधिकांश भाग किससे घिरा है बच्चों, सॉरी बच्चों, इसमें ये जो निशान लग गया ना दोनों से, तो ये गलत है। इस पे ना आप पहले नंबर पर टिक लगाना, जो लिखा हुआ है ना जल से, ये इसका सही आंसर है। तो सॉरी ये सही है। ठीक है, ये दोनों जो लगा हुआ है ना, ये दोनों सही है। भारत का अधिकांश भाग किससे घिरा है, पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर स्थल और तीसरे नंबर पर दोनों से। तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा, जो तीसरे नंबर का है उसी पर आप सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पहले नंबर पर दिया हुआ है ग्लोब का, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है मानचित्र का और तीसरे नंबर पर दोनों का। तो बच्चों पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए हम दोनों का उपयोग करती हैं, तो इसके जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
ठीक है। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, दिक्सूचक यंत्र किस दिशा की ओर संकेत करता है। पहले नंबर पर दिया हुआ है पूर्व, दूसरे नंबर पर पश्चिम और तीसरे नंबर पर उत्तर। तो ये किसकी ओर संकेत करता है? उत्तर की ओर। तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पर दिया हुआ है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। नंबर एक एशिया, नंबर दो अफ्रीका, नंबर तीन ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा भारत है बच्चों वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों जिनको हम खाली स्थानों में भरेंगे, ठीक है। पहला खाली स्थान दिया हुआ है पृथ्वी किसके समान गोल है। तो बच्चों ये खाली स्थान में भरा हो जाएगा नारंगी। हमारी जो पृथ्वी है वो किसके समान गोल है? नारंगी के समान। तो पहले खाली स्थान में क्या आ जाएगा? नारंगी, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है एक स्टैंड पर स्थित रहता है, क्या स्थित रहता है? ग्लोब। तो दूसरे वाले खाली स्थान में क्या आ जाएगा बच्चों? ग्लोब। ग्लोब एक स्टैंड पर स्थित रहता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, ग्लोब पर पृथ्वी के किसी निश्चित भाग का व्यापक अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो बच्चों जो तीसरा खाली स्थान है उस पर हम क्या लिख देंगे? व्यापक, ठीक है। चौथा दिया हुआ है मानचित्र को किसी समतल स्थान या कागज़ पर बनाया जा सकता है। तो जो हमारा चौथा खाली स्थान है उसमें हम क्या भर देंगे? मानचित्र, ठीक है। पाँचवें नंबर पर दिया हुआ है महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो पाँचवा वाला खाली स्थान है उस पर अंतर्राष्ट्रीय भरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर, सही कथन के लिए सही का तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है बच्चों। तो पहला दिया हुआ है पृथ्वी अमरूद के आकार की है। तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, पृथ्वी किसके आकार की है? नारंगी के, ठीक है। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है। तो ये बिल्कुल सही है, इस पर हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। दिया हुआ है मानचित्र, तीसरे नंबर पर दिया हुआ है मानचित्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, इस पर भी हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है बच्चों। बुक में हम लगाना भूल गए हैं, आप अपनी बुक्स में सही का निशान लगा लेना। चौथे नंबर पर दिया हुआ है मानचित्र में ऊपर की ओर दक्षिण दिशा होती है। तो बच्चों मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, दक्षिण सबसे नीचे होती है, तो ये गलत है। तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे सही गलत भी कंप्लीट होते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। घ नंबर पर दिया है सही मिलान कीजिए। तो कुछ मिलान करना है हमें इस पर। पहले नंबर पर दिया हुआ है पृथ्वी की आकृति, इसको मिलाएंगे हम नारंगी के समान है, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पर दिया है ग्लोब, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, इससे मिलाएंगे। फिर दिया हुआ है तीसरे नंबर पर उत्तर, उत्तर क्या है? दिशा है, तो इसको हम दिशा से मिलाएंगे। प्रशांत, प्रशांत क्या है? महासागर है, तो प्रशांत को हम किससे मिलाएंगे? महासागर से। पाँचवें नंबर पर दिया हुआ है एशिया, एशिया क्या है बच्चों? महाद्वीप है, तो एशिया को किससे मिला देंगे? महाद्वीप से, ठीक है। इस प्रकार हमारी जोड़ियाँ भी कंप्लीट होती हैं। आगे दिया हुआ है ऋणा पर एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो कुछ हमें प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों जिनके उत्तर हमें एक शब्द में देना है, ठीक है। पहला प्रश्न दिया हुआ है हम किसके द्वारा पृथ्वी की घूर्णन गति का निरीक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों हम किस उपकरण के द्वारा पृथ्वी की घूर्णन गति का निरीक्षण कर सकते हैं? तो ग्लोब, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोब। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है ग्लोब पर जल भागों को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो जो हमारा ग्लोब होता है बच्चों उस पर जो जल भाग होता है, जल भरा होता है, उसे नीले रंग से दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीले। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है मानचित्र की संग्रह पुस्तिका को क्या कहते हैं। जिसमें मानचित्र बने होते हैं उस पुस्तक को या बुक को क्या कहते हैं? तो एटलस, ठीक है बच्चों, एटलस बोलते हैं, या फिर मानचित्रावली, दोनों में से आप कोई भी लिख लीजिए, या मानचित्रावली या फिर एटलस, ठीक है। चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है नाविक तथा समुद्री यात्री यात्रा के दौरान किस यंत्र से दिशा को ज्ञात करते थे। तो बच्चों जो समुद्री यात्री थे वो किस यंत्र से दिशा को ज्ञात करते थे? दिशसूचक से। तो इसका आंसर हो जाएगा दिशसूचक। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। तो पृथ्वी पर पांच महासागर हैं, इसका आंसर हो जाएगा पांच, ठीक है।
आगे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हम इन प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ग्लोब किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों, ग्लोब पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, मानचित्र में दिशाओं की स्थिति लिखिए। जो मानचित्र है उसमें दिशाओं की स्थिति बताना है हमको। उत्तर को पढ़ते हैं, मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा तथा नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। बच्चों जो मानचित्र होता है उसमें सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर, सबसे नीचे दक्षिण, और इसके दाएं तरफ पूर्व दिशा तथा बाएं तरफ पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, समझ आया। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, महासागर किसे कहते हैं? महासागर किसे कहते हैं? उत्तर होता है, उत्तर है इसका, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के बड़े भाग को महासागर कहते हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पर जो हमारे बहुत बड़ा पानी भरा होता है या उस भाग को हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है चौथा प्रश्न, पृथ्वी पर स्थित महासागरों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा इसका, पृथ्वी पर स्थित महासागर निम्न हैं। नंबर एक प्रशांत महासागर, नंबर दो हिंद महासागर, नंबर तीन अटलांटिक महासागर, नंबर चार आर्कटिक महासागर, नंबर पाँच दक्षिण महासागर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे कितने महासागर हैं? पांच महासागर हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है, पांचवा, महाद्वीप किसे कहते हैं? इसके नाम लिखिए। उत्तर, पृथ्वी पर भूमि के बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर सात महाद्वीप हैं। बच्चों सात महाद्वीप कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं हम। नंबर एक एशिया, नंबर दो अफ्रीका, नंबर तीन यूरोप, नंबर चार उत्तरी अमेरिका, नंबर पाँच दक्षिणी अमेरिका, नंबर छः ऑस्ट्रेलिया, और नंबर सात अंटार्कटिक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे चार महाद्वीप हैं, और यहाँ पर ये प्रश्न के उत्तर भी कम्प्लीट होते हैं, और ये हमारा पूरा चैप्टर कम्प्लीट होता है। ठीक है बच्चों, इस मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।